नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मिथुन राशि वालों राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तीस अक्टूबर को ये दोनों एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं और वक्री अवस्था में ही होते हैं अठारह मई दो हजार पच्चीस तक राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में तो आप मिथुन वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं विस्तार से वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रोडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बारहवें आठवें भाव में नहीं है तो इसका फ़ायदा हंड्रेड परसेंट आपको मिलेगा देखिए सबसे पहले बात तो तीस अक्टूबर के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है तो रास्ते खुलेंगे प्रयास तेज़ कर दें अभी से मेहनत करना तेज कर दें क्योंकि अब जॉब प्राप्ति के योग प्रबल संभावना बने हुए हैं और राहु चूँकि आपके दसम भाव में और चूँकि राहु पाप ग्रह हैं और दूसरी बात केतु आपके लिए उतने शुभ नहीं होंगे अब देखिए अभी केतु कुछ कारण से केतु के कारण थोड़ी परेशानियाँ थी अब ये दिक्कत दूर होगी क्योंकि राहु कर्म भाव में बैठे हैं और राहु आपके लिए यहाँ पर आने से आप जो भी फैसला लेंगे करियर के मामलों में वो सही रहेगा और कर्म स्थान से पंचम पर राहु की दृष्टि है और मिथुन वालों इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा अगर कोई केस मुकदमा वगैरह है उसमें फ़ायदा मिलेगा अगर कोई भी मुश्किलें हैं परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी केतु चौथे भाव में है तो यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की समस्या हो सकती है तो अपने माँ के स्वास्थ्य का आपको खूब ख्याल रखना होगा यहाँ पर आप लापरवाह नहीं हो सकते अब देखिए मिथुन वालों आपके लिए चूंकि लाभ होगा कोई भी अधूरी इच्छा आपकी ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो यानी हर इच्छा पूरी होगी समाज में सम्मान बढ़ेगा सामाजिक दायरा बढ़ेगा लोगों के बीच आपका महत्व तो बढ़ेगा लोग अब आपको नोटिस करेंगे समाज के हुए हर कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और करियर में तो लाभ ही लाभ दिलाएंगे क्योंकि यहाँ से आपका अच्छा समय शुरू होता है तो मिथुन मानो दसम भाव को प्रभावित करेंगे राहु और हर इच्छा पूरी करने के साथ सुप्रभाव भी है क्योंकि धन आने के मौके मिलेंगे खासकर नौकरी में तरक्की इंक्रीमेंट वैसे तो व्यवसायियों को भी अच्छा है आपका व्यवसाय बढ़ेगा तरक्की करेगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और भाग्य का सबसे बड़ी बात है कि भाग्य का साथ मिलेगा आर्थिक स्थिति अब और अच्छी हो जाएगी परेशानियाँ अंत होगी जीवन में खुशहाली बढ़ेगी यानी कि आपके तो पाँचों उंगली घी में है और ये गोचर आपके लिए अति शुभ है तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना हाँ राहु केतु को थोड़ा बल दे दें जैसे कि आप यहाँ पर देखिए आपके लिए आर्थिक सामाजिक लाभ के साथ दुखों का अंत होना भाग्य का साथ मिलना हर कार्यों में सफलता मिलना ये सुप्रभाव है और यहाँ तक कि राहु की उल्टी चाल आपके लिए लकी हो रहा है साबित तो बचत भी होगा उन्नति भी होगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा आप ओम रंग रहे नमः ओम किंग केतु बनवा इस मंत्र का जब कर सकते हैं हाँ केतु को थोड़ा सा ठीक करना होगा आप क्या करेंगे रोज़ आप भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और आपकी उंगली में जो लगा रह गया हल्दी उसी से खुद को तिलक करें ऐसा करने से क्या होगा आपका जो केतु का दुष्प्रभाव वो खत्म होगा और आप चाहें तो ओम के केतवे नमा का भी जप कर सकते हैं और भावनात्मक अनुबंध और संबंधों से जुड़ी समस्याएं हल्की फुल्की लाएगा केतु तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा खासकर संबंधों में टकराव ना हो इसका भी ख्याल रखिएगा ये थोड़ा सा आपका आपके लिए साइड इफेक्ट है इसके ऊपर अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में चल रही है आपको घबराना नहीं है स्थिति आपके पक्ष में है अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा खुलकर आप लाइफ को पाएंगे इंजॉय कर पाएंगे और मिथुन वालों के लिए चूँकि अच्छा वक्त है हम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें धन्यवाद